नमस्कार दोस्तों, एंड आई वेलकम यू टू दीप कॉन्सेप्ट। दोस्तों, रिसेंटली श्री रामचरितमानस को विश्व पटल के ऊपर विशेष पहचान मिली है, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। हम भारतीयों के लिए यह एक विशेष उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। ये इंडिया टुडे ने इसको कवर किया है, आप देख पाओगे। रामचरितमानसा एंटर्स इन गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स एज वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट सॉन्ग, अर्थात विश्व का सबसे लंबा गीत के रूप में इसको शामिल किया गया है। श्री रामचरितमानसा इज गेनिंग ग्लोबल रिकॉग्निशन एंड अचीविंग माइलस्टोन, और इसको रजिस्टर किया गया है एज दी वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट सॉन्ग, जिसका टाइमिंग 138 आवर्स 141 मिनट्स एंड 2 सेकंड बताया जा रहा है, जिसे गाया गया है डॉक्टर जगदीश पिल्लई के द्वारा, जो कि बनारस के रहने वाले हैं। इसी प्रकार यह ऑफिशियली रूप से एंटर कर चुका है इन दी गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड्स एज द लॉन्गेस्ट सॉन्ग इन दी वर्ल्ड, विश्व का सबसे लंबा संगीत के रूप में से शामिल किया गया है। डॉक्टर जगदीश पिल्लई बिकम दी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ द टाइम, अर्थात 5 बार के ये रिकॉर्ड होल्डर बन चुके हैं। इससे पहले 4 बार इनके नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड शामिल हो चुका है विशेष क्षेत्रों के अंदर, लेकिन इस बार इन्होंने लंबा संगीत के रूप में अपना नाम दर्ज करवाया है। ये है डॉक्टर जगदीश पिल्लई, और यहाँ पे आप देख पाओगे डॉक्टर दयाशंकर मिश्रा, जो कि उत्तर प्रदेश के आयुष मंत्री हैं, इन्होंने इस सर्टिफिकेट को भेंट किया है टू दी डॉक्टर जगदीश पिल्लई। अच्छा, इसकी कीमत इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि डॉक्टर जगदीश पिल्लई एक नॉन हिंदी स्पीकर हैं, क्योंकि ये बेसिकली साउथ इंडिया से आते हैं और बनारस में रहते हैं, तो इन्होंने अवधी भाषा को पहले सीखा और फिर अवधी भाषा के अंदर रामचरितमानस को गाया और इसको खुद ही कंपोज किया है। बहुत ही ब्यूटीफुल एंड इमोशनल वे में इसको कंपोज किया गया है। इसके अंदर भजन एंड कीर्तन हमको देखने को मिलते हैं जो इंसान के दिल को छू जाते हैं। अब इस कार्य को पूरा करने में तकरीबन तकरीबन इनको 4 साल का समय लगा है। कोविड-19 के कारण भी इस कार्य में डिले हुआ है। इससे पहले अगर देखा जाए तो यह रिकॉर्ड इंग्लैंड और यूके के नाम, इंग्लैंड एंड अमेरिका के नाम पे था, क्योंकि ये आप जो मार्क क्रिस्टोफर हैं ली, मार्क क्रिस्टोफर ली, ये अमेरिका के नागरिक हैं और यूके में रहते हैं। यूके में इनका एक बैंड है दी पॉकेट गॉड्स करके, इनके नाम पर यह रिकॉर्ड था। इन्होंने एक ही टाइप के इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक से इस रिकॉर्ड को अपने नाम किया था, जो कि 115 घंटे और 45 मिनट का बताया जाता है। 1 दिसंबर 2021 को इन्होंने ये रिकॉर्ड अपने नाम किया था, लेकिन अब ये रिकॉर्ड इंडिया के नाम हो चुका है। डॉक्टर जगदीश पिल्ले जी बताते हैं कि 2016 से ही मैं इस कार्य के ऊपर विचार कर रहा था कि यह जो रिकॉर्ड है सबसे लंबे संगीत का भारत के नाम होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास ऐसे ऐसे एपिक्स हैं जैसे कि रामायण, महाभारता, गीता एंड वेरियस ऑफ टेक्स्ट, जो जो कि सबसे बड़े एपिक माने जाते हैं, तो उनके आधार पे हम लोग यह रिकॉर्ड अपने नाम करवा सकते हैं। और इसीलिए इन्होंने अपने मित्र प्रदीप मिश्रा जी से जो अवधी भाषा है उसको सीखा, उसके प्रोनाउंसिएशन को सीखा और उसके उच्चारण को सीखा, और इसीलिए इन्होंने फिर अवधी भाषा को सीखकर इसको गाया है 138 घंटे के अंदर और 41 मिनट और 2 सेकंड का इस समय लिया गया है। इसके साथ साथ इनके मित्र दीपक जायसवाल भी इसके अंदर साथ में थे, जो कि रिकॉर्डिंग्स का कार्यभार संभाल रहे थे। अब इनको भी एक सर्टिफिकेट मिला है, तो हम भारतीयों के लिए काफी बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। आप गाइज मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना कि जो रामचरितमानस है, तुलसी कृत रामचरितमानस के रचयिता कौन है, आप सब मुझे कमेंट बॉक्स में इसके बारे में बताना। वीडियो कैसी लगी इसके बारे में बताना, आपके इसके ऊपर आपके क्या विचार है, क्या राय है, वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और दूसरा, अगर आप चैनल पे नए आए हो तो एक सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे विद अस।